हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम बात करने वाले हैं दो अमेरिकन कार्स की, जिनका नाम है एल्पाइन A110 और डॉज चैलेंजर। तो प्लीज इस वीडियो में आगे बने रहिए, और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो या इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा ना लगा हो तो प्लीज कमेंट कर देना। थैंक यू। सो गाइस, हमारी फर्स्ट कार है एल्पाइन A110। एल्पाइन ने खाली 400 यूनिट्स ही बनाए थे A110 लेजेंड GT के। ये कार एक स्पेशल एडिशन कार थी, जो कि एक कूप कार थी। फ्रांस में ये कार 69,300 यूरोस की आती थी, जो कि 77,000 US डॉलर्स होते हैं। मतलब इंडिया के हिसाब से ये कार 58 लाख के आसपास पड़ेगी। दूसरी कारों से बहुत सस्ती है, जैसे ऑडी TT, ऑडी R8, ये इसी टाइप की कार है, पर इनसे बहुत सस्ती है ये कार। एल्पाइन A110 एक स्पोर्ट्स कार थी, जो कि एल्पाइन मोटर्स ने बनाई थी, जो कि रेनॉल्ट की कंपनी है। ये कार सिर्फ 1961 से लेकर 1977 तक ही बनी थी। एल्पाइन A110 एल्पाइन A108 का सक्सेडर था। एल्पाइन A110 ज़्यादातर रैली कॉम्पिटिशन्स में यूज़ की जाती थी। हम इस कार को इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते थे बाय शिप्स, लेकिन बहुत कम चांसेस थे इसके इंपोर्ट होने के बाद। इसकी प्राइस कुछ 1 करोड़ के आसपास पहुंचती है। रेनॉल्ट ने इस कंपनी को 1973 में ख़रीदा। फिर से कंपनी को रेनॉल्ट ने 1995 में पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके बाद अब 2017 के ऑटो एक्सपो में फिर से इस कार को इंट्रोड्यूस किया गया। इस कार की असेंबली फ्रांस डाइपी में होती है। अब इसके कुछ की स्पेक्स की बात कर लेते हैं। बॉडी एंड चेसिस की क्लास स्पोर्ट्स कार, बॉडी स्टाइल 2-डोर कॉप, लेआउट रियर मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव। इस कार में 1.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड i4 इंजन आता है, और इस कार में 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स आता था। अब इसके कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। व्हील बेस 2,419 mm, लेंथ 4,178 mm विद 1,798 mm, हाइट 1,252 mm। अब कर्व वेट 1,103 kg, 1,114 kg। ये कार 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, मर्क्यूरी सिल्वर, डीप ब्लैक और ग्लॉसी ब्लू। ये कार रिम्स में 18 कैरेट गोल्ड प्लेट करके देती है। अब हमारी नेक्स्ट कार है डॉज चैलेंजर। ये कार एक 5-सीटर कूप कार थी, जो कि 6.35 मिलियन फिलिपाइन करेंसी में आती थी, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ में पड़ेगी। डॉज चैलेंजर एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स कार थी। इस कार में बहुत पावरफुल इंजन मिलता था, जो कि 700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। डॉज चैलेंजर का ईयरली कार मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ 650 US डॉलर्स था, जो कि इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 48,000 होता है। इतना कम सर्विस कॉस्ट बहुत अच्छा है इतनी महंगी कार के लिए। नहीं तो आजकल आप कोई भी 50-60 लाख की कार का भी अगर सर्विस कराने जाते हो तो कम से कम 1-2 लाख रुपये लगते हैं पर 10,000 किलोमीटर्स पे। अगर आपके पास भी कोई 10 लाख के ऊपर कोई भी कार है तो उससे कम से कम 10,000 किलोमीटर्स के बाद सर्विस ज़रूर कराएं। इससे आप अगर सेकंड में बेचने जाओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी।
अब इस कार के कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी टाइप कॉप, फ्यूल टाइप पेट्रोल, टॉप स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 320 किलोमीटर पर आवर, ऑफिशियल टैगलाइन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अमेरिका। अब इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इंजन डिस्प्लेसमेंट 6162 सीसी, ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक, मैक्सिमम पावर 707 HP 6000 RPM, मैक्सिमम टॉर्क 880 Nm ऑफ टॉर्क 4000 RPM। इंजन डिस्क्रिप्शन, सुपरचार्ज्ड 6.2 लीटर हेमी SRT V8, गियरबॉक्स 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क फायर यूनिट, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 8, सुपरचार्ज्ड, ड्राइव ट्रेन रियर व्हील ड्राइव। ये कार सिटी में 5.5 KMPL का माइलेज देगी और हाईवे पे 9.35 KMPL का माइलेज देगी। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन ओनली 3.6 सेकेंड्स। ओवरऑल हाइट 1,415 mm, व्हील बेस 2,951 mm, कर्व वेट 2,038 kg। अब हम इसके कुछ कैपेसिटीज़ की बात कर लेते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 5, नंबर ऑफ सीटिंग रोज 2 रोज, नंबर ऑफ डोर्स 2 डोर्स, बूट स्पेस 450 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 70 लीटर्स। अब ब्रेक एंड सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। फ्रंट ब्रेक्स 390 mm वेंटिलेटेड डिस्क्स, रियर ब्रेक्स 350 mm वेंटिलेटेड डिस्क। फ्रंट सस्पेंशन शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म फ्रंट सस्पेंशन, W कॉइल स्प्रिंग्स, रियर सस्पेंशन मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन W कॉइल स्प्रिंग्स। व्हील्स एंड टायर्स, फ्रंट टायर 275/40YR20, रियर टायर 275/40YR20, कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस, एयर कंडीशनर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट शॉप बटन यस, क्रूज कंट्रोल यस। इस कार में आपको और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और इस कार में आपको 3 जगह पे एयरबैग्स मिलेंगे, फ्रंट साइड एंड कर्टन्स, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्डिंग कंट्रोल, ब्रेकिंग एंड ट्रांजेक्शन में ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में म्यूजिक सिस्टम, अनकनेक्ट 4C नैव W 8.4 डिस्प्ले, नंबर ऑफ स्पीकर्स 18, ऑक्स कंपैबिलिटी, MP3 पेबैक, USB कंपैबिलिटी, AM/FM रेडियो, iPod कंपैबिलिटी, GPS नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ कंपैबिलिटी एंड फ्रंट रियर हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स। डॉज चैलेंजर में आपको 9 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, इंडिगो ब्लू, पीच ब्लैक, मैक्सिमम स्टील, टॉर रेड, डिस्ट्रॉयर ग्रे, प्लम क्रेजी, ट्रिपल निकल और वाइट निकल कल। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।